हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू ऑल। वंस अगेन दिस इज विनर शाह फ्रॉम ट्रिपल हैमर। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है ऑन दिस वंडरफुल यूट्यूब चैनल एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द हैशटैग आस्क ट्रिपल हैमर, जहां पे हम लोग ट्राई करते हैं जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपके डाउट्स है, उसको सॉल्यूशन दे पाए और आप अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाए, राइट। लेकिन आज का क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई ट्रिपल हैमर ने अपना एप्लीकेशन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो जो भी आपका एप स्टोर प्ले स्टोर है वहां पे जाइए और ट्रिपल एम का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम लोगों को हैंडी अवेलेबल होनी चाहिए, सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने वहां पे काफी सारी चीजें डाली हुई है। जैसे वहां पे हम लोगों ने हमारे सारे जितने भी वीडियोस हैं वो डायरेक्टली एक्सेसिबल रहेंगे, बुक्स है वहां पे एज वेल एज वहां पे एचएसएन के बारे में, एचएसएन कोड के बारे में या सर्विसेज के बारे में या फिर जो भी लेटेस्ट न्यूज है उसके बारे में, जो भी प्रोग्राम्स रहते हैं, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेटेड न्यूज वगैरह रहते हैं, अपडेशन रहते हैं, तो वो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। सो जस्ट गो ऑन दैट, डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड जब भी आपका मन करे या जब भी आपको जरूरत है तो वहां पे आप एप्लीकेशन को गो थ्रू कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को आप वहां पे अवेलेबल करवा सकते हैं, राइट। सो आज के क्वेश्चन की बात करते हैं हैशटैग आस्क ट्रिपल हैमर के अंदर, जहां पे हमारे व्यूअर है मधुसूदन रॉ, उन्होंने क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैं यूएसए में अपने बायर को सैंपल भेजना चाहता हूं, तो क्या मुझे खुद मेरे सप्लायर के पास जाना पड़ेगा और सैंपल लेकर मुझे वहां पे भेजना पड़ेगा, या फिर मैं अपने सप्लायर को बोल सकता हूं कि वो मेरे बिहाफ पे डायरेक्टली मेरे बायर को सैंपल भेज दे। अगर ऐसा मैं करता हूं तो मेरे बायर की डिटेल्स मेरे सप्लायर के पास चली जाएगी, क्या मेरा सप्लायर डायरेक्टली मेरे बायर को एक्सपोर्ट कर सकता है क्या, और अगर कर सकता है तो मुझे प्लीज इसके बारे में प्रायोरिटी में आंसर दीजिए, थैंक यू वेरी मच। ऐसा क्वेश्चन मधुसूदन जी ने पूछा हुआ है, सो दैट इज रियली नाइस क्वेश्चन मधुसूदन जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अच्छी तरीके से शायद एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वर्कआउट कर चुके हैं, अभी पहली बार का आपका कुछ इंक्वायरी जनरेशन हुआ है, बायर को अप्रोच करना आपने शुरू कर दिया है एंड द बायर इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ सैंपल फ्रॉम यू, राइट। सो दैट इज रियली नाइस। लेकिन जब हम लोग सैंपल भेजते हैं ना, वी नीड टू वेरी मच गुड टेक केयर ऑफ दैट। हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से सैंपल भेजना पड़ता है, बिकॉज सैंपल इज योर फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव टू द बायर। अगर सैंपल बायर को पसंद आ जाता है ना, सो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू गिव यू द ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे आपको ये क्वेरी है कि मेरे सप्लायर के पास मुझे जाना पड़ेगा या मेरा सप्लायर डायरेक्टली मेरे बायर को सैंपल भेजेगा, तो यहाँ पे ट्राई ये कीजिए। सबसे पहले तो जो नॉर्मल प्रोसीजर है, देखो अभी तक हमारा ये डिसाइड नहीं हुआ है कि बायर परचेस करेगा नहीं करेगा, सप्लायर से मुझे प्रोडक्ट मेरा फर्म कि मुझे इसी से लेना है नहीं लेना है, वी डोंट नो एनीथिंग, राइट। सो राइट नाउ इन अ वेरी बिगिनिंग स्टेज, सैंपल्स हमेशा सबसे पहले आपको अक्वायर करने हैं, राइट। जितने भी आपके सप्लायर्स है, 4, 5, 7, 8 सप्लायर्स जो भी होते हैं, उन सारे सप्लायर्स से पहले आप सैंपल्स अक्वायर कर लो। आप ये डिफाइन कर लो कि नहीं, मेरे पास जितने भी सैंपल्स हैं उसमें से सबसे बेस्ट सैंपल कौन सा है, या अगर मैं यूएसए में एक्सपोर्ट करना चाहता हूं तो यूएसए की क्वालिटी को कौन मैच कर रहा है, किसके पास सारे सर्टिफिकेशंस है, तो वो सारी चीजें अच्छी तरीके से देखने के बाद वो सैंपल आपको खुद को अक्वायर करने हैं, आपके पास वो सारे सैंपल्स मंगवाने हैं और फिर उस सैंपल्स को अच्छी तरीके से डिफाइन करके बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना भी बायर को चाहिए, जैसे चाहिए, जिस तरीके से चाहिए, उस तरीके से पैकेज करके आपको खुद को वहां पे उसको सैंपल भेजना है, ना ही आपको आपको अपने सप्लायर के पास जाना है, ना ही आपको सप्लायर को बोलना है कि वो आपके बायर को सैंपल भेजे, राइट। बिकॉज ऑफ दिस इज योर बायर, दिस इज योर बिजनेस एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ये आपका मैटर है, ये आपके सप्लायर का मैटर नहीं है कि वो आपके बायर को सैंपल भेजेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई आपको ही ये भेजना है। ये एक अलग क्वेश्चन है कि हाँ, मेरा सप्लायर डायरेक्टली बायर को अप्रोच करके सीधा एक्सपोर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, डेफिनेटली वो कर सकता है, राइट। जो हमारे इंडियन मेंटालिटी है उसके हिसाब से हम लोग हमेशा इसी डर में रहते हैं कि मेरा सप्लायर मेरे बायर को डायरेक्ट अप्रोच करेगा तो वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, डेफिनेटली वो एक्सपोर्ट उसको कर सकता है, राइट। बट हम लोगों को ध्यान में ये रखना है बिगिनिंग स्टेज के अंदर, सबसे पहले आप ये ध्यान में रखो कि सारे सैंपल्स आप खुद अपने पास ले लो और फिर आप खुद उसको सैंपल भेजो, उसके बाद अगर ऑर्डर फर्म होता है, कंफर्म होता है, जब सारे सर्टिफिकेशंस मुझे रिवील करने हैं, तब की अगर बात आती है ना, इट इज मैंडेटरी कि नहीं मुझे दोनों पार्टी को एक दूसरे की डिटेल्स को रिवील करना ही पड़ेगा, तब आप एक अच्छा सा अग्रीमेंट बना के सप्लायर के साथ आप उसको वहां पे डील कर सकते हो कि ये मेरा बायर है, यहाँ मेरे थ्रू ही उसके साथ हमेशा डील होना चाहिए, जो भी ये कंसाइनमेंट है या फ्यूचर के जो भी कंसाइनमेंट्स रहेंगे, तो अच्छी तरीके से एक अग्रीमेंट बना के फिर आप उसके साथ कैरी ऑन कर सकते हो। या तो बहुत बार हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि भले ही आपका सप्लायर आपके बायर को अप्रोच करे, लेकिन अगर आपका आपका बायर आपके कॉन्फिडेंस में है,
if you have given a very good service, if you have given a very good details, information, knowledge to your buyer, if you have satisfied your buyer, आपका buyer आपके supplier को भी entertain नहीं करेगा. लेकिन आपको prepare होना है, आपको उसको अच्छी तरीके से सारी information देनी है, आपको अच्छी service उसको देनी है, तभी जाके वो किसी और से या किसी और को एंटरटेन नहीं करेगा. अब भले वो प्रूफ देगा इवन आपके बायर को कि यही यह बंदा है जिसको मैं उसको प्रोडक्ट दे रहा हूं और वो आपको प्रोडक्ट दे रहा है, लेकिन फिर भी वो बायर आपके सप्लायर से परचेज नहीं करेगा. राइट, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, जस्ट ट्राई टू गिव द बेस्ट सर्विसेज टू योर बायर एंड अकॉर्डिंगली आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका सप्लायर और बायर डायरेक्ट हो जाएगा. राइट, तो ये तरीका है, सैंपल अक्वायर करो और फिर आप खुद उसको एक्सपोर्ट करो अच्छी तरीके से, अच्छे पैकेजिंग के अंदर, उसका अरोमा, उसका टेस्ट या उसका डैमेज ना हो जाए अच्छी तरीके से. 2 से 3 लेयर में आप उसको वहां पे एक्सपोर्ट करो, वहां पे सैंपल को भेजो एंड अकॉर्डिंगली सैंपल अप्रूव होने के बाद आप अपने वेंडर से वो सारी चीजों को रिसोर्स कर फिर आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो. राइट, सो होपफुली मधुसूदन जी आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी सो जस्ट पुट अप इट इन द कमेंट्स अगेन एंड वी विल गेट बैक विद अ वीडियो. राइट, सो वापस हम लोग उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपके पास पहुंचाएंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अवर व्यूअर. और भी जितने भी हमारे सारे व्यूअर्स हैं उन सारे लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा. एंड अभी भी अगर कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, सो आई रिक्वेस्ट वंस अगेन कि हमारे जितने भी ऑलरेडी 300 प्लस वीडियोस हैं जो हम लोगों ने हैशटैग आस्क प्लान के अंदर बना के रखे हुए हैं, सो सारे वीडियोस को पहले देख लीजिए बिकॉज बहुत अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन उन सारे वीडियोस के अंदर अवेलेबल है. तो वो देख लीजिए, उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप कमेंट्स के अंदर डाल दीजिए. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर और एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलना. सो थैंक यू वेरी मच. आइए हम सब लोग मिलते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं और भारत के वो सुनहरे दिन भारत में वापस लाते हैं. थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.